आज हम रायसेन डिस्ट्रिक्ट में महलपुर पाटा एक गांव है जहां पर है, और यहां हमें आज पता चला कि आज राधा अष्टमी है, और यहां पर राधा अष्टमी में राधा कृष्ण का बहुत पुराना मंदिर है। तो मैं और सौरभ दोनों थे, तो क्यों ना हमने सोचा क्यों ना हम भी आज दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो हम आ गए हैं महलपुर पाटा। आप देखेंगे काफ़ी अच्छी जगह है, यानी ये तीन तरफ से पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है, और अभी बरसात में पूरी हरी भरी हरियाली है। आप इधर देखिए, मैं आपको मुझे तो पीछे तालाब है जो आपको दिख रहा होगा, और उसमें कमल के फूल हैं, और आप देखेंगे इधर पूरा एक जैसा लगता है ना गांव, जंगल, पहाड़ी। मैं चारों तरफ मूव हो करके आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे पहाड़ों के बीच मंदिर है। चलिए आइए करते हैं हम सब दर्शन राधा कृष्ण जी का। जय राधा, जय मां की बिहारी। और धुन कितनी अच्छी धुन निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका शुभ नाम क्या है, नाम क्या है बाबूजी? आप नाम क्या लिखते हो अपना, नाम क्या है आपका? बाबूजी साथ कैमरे में देख करके डर रहे हैं। अच्छा, बजाइए बजाइए, बहुत मतलब अच्छी धुन है, हमें अच्छा लग रहा सुन करके। यहाँ पर आज करीब 6 से 10 हजार लोगों का भंडारा प्रसाद प्राप्त करेंगे, और काफी बड़ा प्रोग्राम है। मैं तो गांव में था, गांव से मुझे पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना मैं जाऊं और आप लोगों से मिलूं, और आप लोगों को रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर एक ऐसी अद्भुत जगह दिखा पाऊं जहां पर आने से आपको अजी अच्छी शांति मिलेगी। काफी ही शांत जगह है, चारों तरफ आपको हरियाली, पहाड़, ग्रीनरी, और गांव के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो जब भी पास में पीछे बिल्कुल मंदिर के जस्ट पीछे तालाब है, बड़ा तालाब है, तो आप कुंडी कहते हैं यहाँ पर उसको। तो आप जब भी, आपको भी यदि आने का प्लान बने तो जरूर आइए और यहाँ राधा कृष्ण जी का दर्शन करिए, भंडारा प्राप्त करिए, अखंड कीर्तन सुनिए, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करिए। ये यहाँ पर जो मंदिर के और मेला के अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, और काफी सारे गांव के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे इनसे जानकारी लेकर के कुछ अच्छा लगा। और स्वयं पंडित जी भी हैं जो यहाँ पर ही हैं। आपका शुभ नाम पंडित जी? अमृतदास जी यहाँ पर महंत हैं, और ये हैं अध्यक्ष साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? जी, कन्हैया के दरबार का जो महत्व है, कई वर्षों से इधर ढकना है अपने नेचे, वहाँ सोने चांदी के बर्तन रखे रहते थे, कोई भी अतिथि इधर आए भोजन बनाए और वहीं रख जाए। पुरानी परंपरा, पीछे किला भी है नवाबी शासन का, ये बहुत पुराना मंदिर है। गैरतगंज तहसील के अंदर दो मंदिर है, एक लीलकंठ मंदिर, एक राधा कृष्ण मंदिर, दोनों को शासन को पता होते हुए भी मंदिरों का कुछ नहीं हो रहा, जीर्णोद्धार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यदि ऐसा सिद्ध जगह है, सिद्ध जगह है और मंदिरों के पास सब कुछ है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, उसी का उसी में लगा दें, जी जी, वो भव्य रूप ले लेगा। बिल्कुल बन सकता है, और कई जगह पे बड़े जगह पे काम हो रहा है, और हम भी शासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि शासन को थोड़ा सा पहल करना चाहिए। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऐसी जगह जो है, जैसा सर का कहना है, जो पर्यटक स्थल के रूप में, और लोग नहीं होती सर जी यहाँ पर पे, अभी मुझे पता नहीं था, भैया लोग का कहना है और सर का कहना है कि यहाँ पर ये बहुत पुराने मंदिर के साथ यहाँ पर पीछे एक महल भी है, और यहाँ पर तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर है, तो ये पर्यटन स्थल के रूप में भी काफी अच्छा डेवलप हो सकता है। और तहसील भी यही थी, थाना भी यही था पहले। अच्छा अच्छा, नवाबी शासन में ये? नवाबी शासन में नहीं था वो, और पहले नवाबी शासन तो आवे थो, जैन तो पहले राजा। तो महल अभी भी कुछ स्तर बचा हुआ है कि खंडहर के रूप में? प्रतिमा भी जयगांव में खड़ी है, किलो भी बने हैं, जैनियों के पास यहीं से गई थी। अच्छा अच्छा, राजा थे पहले जैन, यहाँ पर पहले जैन राजा थे, लास्ट वंशज जो रहा होगा जैनी राजाओं का था, तो लेके गए। देगांव में बहुत विशाल मूर्ति है, बहुत ऊंची, और ले गए देगांव में मंदिर बना रहा। चलिए, मुझे भी आज सौभाग्य था कि मैं यहाँ पर आया और इनके दर्शन प्राप्त हुए मुझे, और काफी प्यारी जगह मिली, और गांव वालों से मिलकर भी काफी अच्छा लगा। तो
जरूर मिस करूंगा रात का कार्यक्रम, क्योंकि गांव वालों ने जिस तरह से बताया है ना, तो अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसा होता होगा, किस तरह रात में उस तरह की एक्टिविटीज, प्यार से कान्हा रुक्मणी और राधा जी के सामने वो जितना अपना प्यार दिखा पाते होंगे, किस तरह से दिखाते होंगे कि अरे एक आदमी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऊपर, और फिर उसमें डांडिया खिला जाएगा, तो शायद हम सपने में भी सोच नहीं पा रहे हैं कैसे होगा। तो ये चीज मैं मिस कर रहा हूं। और यहां पर अखंड कीर्तन और ये गांव का सहयोग है, मैं गांव के अंदर ही था तो मुझे पता चला कि आज यहाँ भव्य कार्यक्रम होगा। तो चलिए इसी के साथ आप सब भी आइए और देखिए, बहुत ही अद्भुत जगह आज हमने देखी, और आप सबको धन्यवाद। चलिए फिर मिलता हूँ कभी। ये यहाँ पर पे सारे कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं आ पाती, लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, तो इस प्लेस में होगा ये सारी एक्टिविटी होगी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी बिहारी की कृपा इस गांव में और सब पर बनी रहे, हमेशा उनका प्यार इसी तरह बना रहे, और ये जगह ऐसी आगे बढ़े और अच्छे से डेवलप हो, पर जरूर आऊंगा विद फैमिली यहाँ पर पे। चलिए इसी के साथ बाय। 8:01 PM। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है मेरे साथ। आज मेरा है फास्ट संतान सप्तमी का, और अभी हम कहीं बाहर निकले हैं, और दिखाती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। इन्हें पता है कि लिट्टी चोखा मेरी बहुत फेवरेट डिश है, और ये ड्राइविंग कर रहे हैं, और इन्होंने मुझे हाथ में पकड़ा रखा है, देखिए। हाँ, तो आज मुझे लिट्टी चोखा भी खाना है। तो ये बताइए, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप जरूर बताना, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आज तो लिट्टी चोखा भी खाना है, चाट भी खाना है, और फिर कल तुम्हें खिलाना है। नहीं, अब ये हाथ में रख दिए हैं, मुझे लगी थी जोरों की भूख है ना, इसलिए मैं भी ज्यादा वेट नहीं करता। मतलब यही है ना कि या तो खा लो ये लिट्टी चोखे की महक। नहीं, मैं तुम्हें भी जूस पिलाने वाला हूँ, जल्दी जूस कॉर्नर में पहुँच रहा है। नहीं, जूस तो पियोगे, पर फास्ट के दिन बकायदे नींबू नमक मिर्च के साथ प्याज जली हुई और आलू बैगन का चोखा लिट्टी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, और ये कह रहे हैं व्रत वालों को इतना सोचना नहीं चाहिए। तो बताइए, हाथ में रखा है तो हम ना सोचेंगे तो कौन सोचेगा। ये मेरे लिए जूस ढूंढ रहे हैं, लेकिन जूस नहीं मिल रहा है, और ये तभी खाएंगे जब मुझे जूस पिला देंगे। भैया, हमारा ही व्रत है, इनका व्रत है, तो ये अपने हमारा व्रत तब तक के लिए जब तक रिंकी को हम जूस नहीं पिला देते, तब तक हम भी व्रत में है। और हम जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं बता देते, आज हम जा रहे हैं हिमांशु प्रिया के यहाँ, उन्होंने गणपति की स्थापना की है, तो आज हम जा रहे हैं गणपति जी के यहाँ। सैटरडे, कल है संडे, तो हमारे पास टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जी के इस उत्सव में शामिल होने का तो मौका ही मिल जाए, यही बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं, जूस देखते हैं मिलता है नहीं, और इसके बाद आपको भी हम दर्शन कराते हैं अपने गणपति बप्पा जी के। Thank you.